Pas, 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 Mobile şey yapan falan şey. ये एक नया वैक्सीन इंक्लूड किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को कोई 10-11 किस्म के वैक्सीन लगते हैं, उसी में एक और वैक्सीन का इजाफा किया गया है। इसको कहते हैं नीमोकोकल वैक्सीन। ये निमोनिया से बच्चों को बचाता है। तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है और इसमें 3 डोज इसके लगते हैं। तो वो डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट अरसे पर, डिफरेंट पीरियड, टाइम पीरियड्स में वो डोज लगते हैं। और ये देखा गया है कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज की जो मॉर्टेलिटी है उसमें 16% बच्चे जो हैं उनकी मौत होती है निमोनिया से। तो उन मौतों को रोकने के लिए ये नीमोकोकल वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी यही अपील होगी सभी बच्चों से, सभी लोगों से, पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को ये डोज ज़रूर लगवाएं जब भी उनका इसका नंबर हो। निमोनिया होता है उसको रोकथाम के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो बच्चों में शरे अमवाद सबसे ज़्यादा है वो या तो वो डायरल डिजीज से होता है और या निमोनिया से होता है। और निमोनिया को रोकथाम के लिए सबसे मौसर चीज़ इस वक्त जो लॉन्च हुई है निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ये बच्चों को जब वो पहली बार वैक्सीनेशन के लिए आते हैं पैदाइश के बाद 6 हफ्ते पे, तब जब LPV उनको लगता है या OPV लगता है या फ्रैक्शनल IPV लगता है, उसके साथ ये और एक वैक्सीन लगेगा न्यूमोकोकल वैक्सीन। फिर जब वो तीसरे डोज के लिए जब आएंगे तो उसके बाद इसका दूसरा डोज लगेगा 14 वीक्स पे। और जब फिर वो मीजल्स रूबेला की वैक्सीन के लिए आते हैं तब इसका बूस्टर डोज लगेगा 9 मंथ्स के पे। सो इस वैक्सीन के लॉन्च से ये बहुत खुशाइंदा चीज़ है कि जो बच्चों में निमोनिया होता है वो बहुत हद तक रुक जाएगा और जो शरह अमवाद जो होती थी और जो हॉस्पिटल में एडमिशन होते थे निमोनिया की वजह से वो बहुत हद तक इसकी वजह से कम हो जाएगा। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.